हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि है इमेज बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन या MCQs हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और कल ही फ्रेंडशिप डे था, तो फ्रेंडशिप के ऊपर जो है फ्रेंड्स जो है बहुत काम के होते हैं, और अच्छे दोस्तों के आप अपने पास रखिएगा, वो आपको बहुत मदद करेंगे नॉर्सेट 2022 पास करने में। और आपसे इंटेलिजेंट जो दोस्त हों आपके, जिनको आपसे ज़्यादा आता हो, उनके साथ दोस्ती कीजिएगा, और जो आपका आपको समझे वो उनके साथ भी दोस्ती कीजिएगा। सिर्फ इंटेलिजेंसी ही दोस्ती का परिमाप नहीं होती, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्ती तो दोस्ती होती है, दोस्त जितना काम आते हैं ज़िंदगी में उतना शायद ही कोई दूसरे लोग काम आते होंगे, ठीक है। तो लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, दोस्तों के ऊपर दीजिएगा। चलिए, क्योंकि लड़की चली जाएगी, दोस्त कहीं नहीं जाएंगे, ओके। हाँ, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ आर बेस्ट स्टिलाइज्ड बाय। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, जो आप दिख रहा होगा आपको, जो है ग्लास के इंस्ट्रूमेंट है दोनों, और ग्लास के इंस्ट्रूमेंट किससे स्टिलाइज होते हैं ये कहना चाह रहा है। तो इस तरह के इमेज बेस्ड क्वेश्चन नॉर्सेट 2022 में पूछे जाने वाले हैं, तो आप तैयार रहें उसके लिए, और हमारी तैयारी हमारे चैनल से आप कर ही रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि YouTube स्टूडियो है मेरे पास। चलिए, हाँ, इरेडिएशन से नहीं करेंगे, ऑटोक्लेविंग से भी नहीं करेंगे, इथाइलिन डाइऑक्साइड इससे भी नहीं करेंगे, हॉट एयर ओवन जो होता है उसके अंदर जो ग्लास मटेरियल होता है बच्चों, उससे उसको जो है ग्लास मटेरियल को हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज करते हैं। चलिए, यहाँ तक आपने देखा, अभी तो पहला प्रश्न ही देखा है, अभी तो बहुत सारे देखना है बाकी है। और चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंसिपल ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ कॉज स्टरलाइजेशन। किस प्रिंसिपल के ऊपर ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इस फोटोग्राफ के अंदर वो स्टरलाइजेशन करता है। स्टीम अंडर प्रेशर, ड्राई हीट इंस्टलाइजेशन, कन्वेंशन करंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स और टिनलाइजेशन। तो ये जो मेथड है, दिस इज हॉट एयर ओवन, ठीक है, ये हॉट एयर ओवन का एग्जांपल है, और हॉट एयर ओवन जो है वो ड्राई हीट इंस्टलाइजेशन का इंस्टलाइजेशन के ऊपर काम करता है, आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो राइट आंसर जो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरे क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ इज यूज इन पब्लिक हेल्थ फॉर। पब्लिक हेल्थ के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिखाया गया है वो किस तरह से काम करता है, क्या काम के लिए यूज़ में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस जब हम मापते हैं तो किससे मापते हैं, इंच टेप से मापते हैं, ठीक है, और यहाँ से शुरू करें और ऐसे वापस घुमा के लाएँ और यहाँ पर वापस मापें। चलिए, हेड सरकमफेरेंस ज़्यादा कौन सी बीमारी होम हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन विच डिजीज हेड सरकमफेरेंस इज इंक्रीज, तो हम कहेंगे हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस में जो है माथा कैसा हो जाएगा, बड़ा सा माथा हो जाएगा ऐसा, ठीक है, जैसे बच्चा छोटा सा है और माथा बड़ा है, तो ऐसे केसेस क्लिनिकली देखने को मिलते हैं और ऐसा मैंने देखा भी है। मिडआर्म सरकमफेरेंस मापते हैं जो है, ऑप्शन तो गलत है ये, मिडआर्म सरकमफेरेंस जो मापते हैं वो मापते हैं आपके, इसको मिटा देता हूँ मैं, शाकी टेप से मापते हैं, ठीक है। और ये क्यों मापते हैं, तो जो माल न्यूट्रिशन का पता करने के लिए, टू नो अबाउट माल न्यूट्रिशन, ओके। सो यू हैव अंडरस्टूड दैट मिडआर्म सरकमफेरेंस इज चेक्ड टू असेस माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये हमने देखा। स्किन फॉल थिकनेस, जी हाँ, ये राइट आंसर है, और स्किन फॉल थिकनेस को इसको मापने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें, ओके। और इसको बोलते हैं कैलिपर, ओके। सो द कैलिपर्स आर यूज्ड टू असेस स्किन थिकनेस, ओके, एंड इससे मतलब स्किन थिकनेस चेक करेंगे। और स्किन थिकनेस क्यों चेक करते हैं, फेट के लिए, कितना फेट है बॉडी के अंदर उसके लिए अपन चेक करते हैं। कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग, नहीं, कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए तो ये यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द अपरेटस यूज्ड इन पीडियाट्रिक्स एज शोन इन फोटोग्राफ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा है, तो हम कहेंगे रिससिटेटर, नहीं, रिससिटेटर तो अलग ही होता है। नेबुलाइजर मशीन, जी हाँ, राइट आंसर है,
नेबुलाइजर मशीन है, नेबुलाइजेशन देते हैं, भाप देते हैं ब्यूडेकॉर्ड से, एस्थलिन से, ड्यूओलिन से, ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर है सब, और इस तरह से भाप देते हैं, ठीक है। सक्शन मशीन नहीं है, इरिडेशन मीटर नहीं है, तो दिस इज़ अ नेबुलाइजर मशीन एंड यू हैव सीन इन प्रैक्टिकली इन मेनी एस्पेक्ट्स। जिसने हॉस्पिटल में काम किया है उसने इसको ज़रूर देखा होगा, जिसने नहीं भी किया है उसने भी देखा होगा शायद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला प्रश्न है, द रेस्पॉन्स शोन इन द एडल्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर इज, जो रेस्पॉन्स शो कर रहा है इस पिक्चर के अंदर तो वो कौन सा पिक्चर है? फ्लेंसर फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, टो रिफ्लेक्स या एंकल रिफ्लेक्स? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स। ये कौन सा रिफ्लेक्स? तो हम कहेंगे कि फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ फ्लेक्शन हो रहा है, टो का भी फ्लेक्शन और जो आपकी उंगलियाँ हैं उनका भी फ्लेक्शन हो रहा है। लेटरल एस्पेक्ट से हम इस इधर से जो है एक इंस्ट्रूमेंट घुमा रहे हैं, तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये नॉर्मल थिंग है, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। चलिए यहाँ तक हमने देखा, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अगले रिफ्लेक्स की, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेस्पॉन्स शोन बाय द एडल्ट इन द फॉलोइंग पिक्चर, इसके अंदर जो है कौन सा रेस्पॉन्स शो कर रहा है? पहला ऑप्शन है एक्सटेंशन प्लांटर रिफ्लेक्स। हाँ, यहाँ पर जो है एक्सटेंड हो रही है उंगलियाँ और तो ये एक्सटेंशन प्लांटर रिफ्लेक्स भी है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स, जी हाँ, दिस इज ऑल्सो नॉन एज बेबिंस्की रिफ्लेक्स। इस तरह से लेटरली हम इसमें वो कर रहे हैं तो स्ट्रोक कर रहे हैं, तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ यू कैन से टोस एंड ग्रेटर टो, तो बोथ ए एंड बी इज राइट, ठीक है। फ्लेक्सर प्लांटर रिफ्लेक्स नहीं है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंड हो रहा है, हम इसको कहेंगे एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्स। अगली बात देखते हैं, द फिजिशियन इज एग्जामिनिंग द पेशेंट एब्डोमेन टू डायग्नोस प्लोसिबल। इस तरफ आपको ये जो है एग्जामिनेशन एग्जामिन कर रहा है, तो यहाँ पर होता है आप सभी को पता है क्या होता है, कोलेंसाइन नहीं, अल्सरेटिकुलाइटिस नहीं, डायवर्टिकुलाइटिस नहीं, राइट आंसर क्या है, अपेंडिसाइटिस। आपने देखा होगा एक होता है मैकबर्नी पॉइंट, तो मैकबर्नी जो पॉइंट होता है वो आपके लोअर क्वाड्रेंट में होता है, लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, सो हम कह सकते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैकबर्नी पॉइंट होता है, यहीं पे एग्जामिन कर रहा है, तो जो कंडीशन है वो कहेंगे हम अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, ओके। उसके लिए हमें अपेंडेक्टोमी करनी पड़ेगी, अपेंडिक्स को काट करके बाहर निकालना पड़ेगा, उस सर्जरी का नाम है अपेंडेक्टोमी, और इस तरह से हमें देखना है। अगला प्रश्न है, इस डायग्राम में कौन सा मेन्यूवर यूज किया जा रहा है? ऑप्शन देखेंगे, सेमोंट मेन्यूवर, हेमलिच मेन्यूवर, चौक मेन्यूवर, एप्ली मेन्यूवर। तो राइट आंसर क्या है हमारा, हेमलिच मेन्यूवर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या करते हैं, इस तरह से अगर कुछ चौक हो गया है पेशेंट के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो हम इस तरह से उसको दबाते हैं पीछे से, तो वो जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। हैंड्स को इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, ये मेरी मुट्ठी बंद है, एक से इस तरह से पकड़ा फिर उसको दबाना है, तो जो भी कुछ भी चौक हो गया है वो बाहर आने के चांसेस यहाँ पर अधिक रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेशेंट इज बीइंग असेस्ड फॉर, इस पेशेंट को किस चीज के लिए असेस किया जा रहा है? रेडियल पल्स, फिमोरल पल्स, टीबियल पल्स या कैरोटिड पल्स? तो राइट आंसर क्या है, आप सभी को पता है यहाँ पर जो है कैरोटिड आर्टरी होती है और कैरोटिड पल्स असेस की जा रही है उस पेशेंट की, ठीक है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ क्लियर इस पिक्चर के अंदर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड वी आर असेसिंग द कैरोटिड पल्स। अगला प्रश्न है, ये आपने शायद पहली बार देखा होगा, व्हाट इज दिस डायग्राम, क्या है डायग्राम है ये? पेशेंट स्लिंग है, रिक्लाइन लिफ्ट है, पेशेंट होइस्ट है या पेशेंट वॉकर है? तो ये क्या है, पेशेंट होइस्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं करते हैं, एक तरह से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक तरह से ऐसा लगा देते हैं जो जैसे झूला होता है ना, झूला टाइप लगा देते हैं और पेशेंट को उठा के कहीं ले जाना है तो इसके अंदर लिटा देते हैं और उठा के और कहीं पर ले जाते हैं, उसको चलाना है तो इसके अंदर सपोर्ट रहता है पेशेंट का, ठीक है। तो बड़ा रहता है इंस्ट्रूमेंट, ये जितना छोटा आपको दिख रहा है वैसा नहीं रहता, थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, तो आप इसको पेशेंट होइस्ट कहेंगे। अगला सवाल है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन शोन इन द इमेज, एग्जामिनेशन कौन सा हो रहा है इस इमेज के अंदर आप आइडेंटिफाई कीजिए। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मैनुअल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी या रेक्टोस्कोपी? तो स्कोपी भी नहीं हो रही है और कोई डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं है, एक एग्जामिनर जो है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो अपना हाथ जो उंगली है उसको इंसर्ट कर रहा है आपके एनल कैनाल में और
तो ये कौन सा रेक्टल एग्जामिनेशन होगा? वी कैन से कि दिस इज मैनुअल रेक्टल एग्जामिनेशन. कौन सा रेक्टल एग्जामिनेशन है? मैनुअल रेक्टल एग्जामिनेशन. ठीक है, जब हम हैंड्स का यूज करके कोई एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं मैनुअल एग्जामिनेशन. डिजिटल एग्जामिनेशन कब होगा? जब हम डिजिटल यानी कोई मशीन का यूज करके एग्जामिनेशन करेंगे तो हम उसको कहेंगे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और डिजिटल वट एवर एग्जामिनेशन. ठीक है, रेक्टम का कर रहे हैं तो रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टम का नहीं कर रहे हैं तो उस अनुसार होगा. चलिए, द डायमीटर ऑफ शोन इमेज इन स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जो इमेज शो की जा रही है जो कि है आपके सक्शन कैथेटर की, इसकी जो डायमीटर है वो कहाँ से शुरू होती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखें, पहले तो ये ध्यान रखें कि ये सक्शन कैथेटर की डायग्राम है. मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज सक्शन कैथेटर. ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सक्शन कैथेटर है और इसकी जो डायमीटर स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, एग्जामिनर पूछ रहा है. तो 5 mm से शुरू होता है. ठीक है, 5 mm सबसे छोटी डायमीटर होती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है. चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. बाकी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. अगला प्रश्न है, अ नर्स इज असेसिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट गिवन द इन द गिवन पिक्चर द रिकॉर्डेड बीपी वुड बी. एक नर्स असेस कर रही है एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर जो है वो इस तरह से असेस कर रही है, तो क्या आएगा ब्लड प्रेशर? सेम एज एक्चुअल बीपी, सेम आएगा एक्चुअल बीपी के बराबर, हायर देन सिस्टोलिक बट लोअर डायस्टोलिक, हायर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, लोअर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक, सेम एज एक्चुअल बीपी, क्योंकि नर्स जो है अच्छे से मॉनिटर कर रही है, पेशेंट जो है थोड़ा सा एक तरह से हम कहें सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर है और सही से इसने बांध रखा है, और हार्ट लेवल पे मेजर करना चाहिए बीपी. ठीक है, हार्ट लेवल पे मेजर करना चाहिए, हार्ट लेवल पे रहना चाहिए आपका, एक तरह से कह सकें जो स्फिग्नोमैनोमीटर है वो. और उसके अलावा हायर बीपी कब आएगा, बढ़ा हुआ बीपी कब आएगा? जब हम बहुत ही ढीला बांधेंगे तो बढ़ा हुआ बीपी आएगा. घटा हुआ कब आएगा? जब बहुत ही टाइट बांधेंगे. ठीक है, तो जब टाइट इस कफ को बांधेंगे तो बीपी कम आएगा, और ढीला बांधेंगे तो बीपी ज़्यादा आएगा. इस बात को आप ध्यान रखें, दिमाग में रख के चल सकते हैं. एग्जामिनर में बार बार पूछता है हमें. अब जो आपको फोटो दिखा जा रही है बच्चों, ये पोजिशन से रिलेटेड है. बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज यहाँ पर पुट हुई है, और वो इमेज जो है, आइडेंटिफाई द पोजिशन शोन इन फोटोग्राफ. इस फोटोग्राफ में जो पोजीशन शो हुई है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए. एग्जामिनर इस तरह से पूछ रहा है, क्या टेंडरलाइन बैक पोजीशन है? टेंडरलाइन बैक पोजीशन कैसी होती है? तो हम कहेंगे ये पेशेंट, ये तो नीचे से है इस तरह से पेशेंट, इधर सर है उसका, इधर पैर है, टेंडरलाइन बैक पोजीशन, कॉर्ड कंप्रेशन देते हैं. तो ये जो पोजीशन है ये टेंडरलाइन बैक पोजीशन है. सिम्स पोजीशन, जी हाँ ये सिम्स पोजीशन है. फाउलर पोजीशन में कैसा होता है? ये थोड़ा सा इस तरह से पेशेंट इस तरह से बैठता है, ये पेशेंट बैठा हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा सीधा. और लोअर डेविस पोजीशन, ये सब पोजीशन नहीं है ये. राइट आंसर क्या है हमारा? सिम्स पोजीशन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज दिस? एग्जाम में जो ये डायग्राम से शो हुआ है, ये कौन सा डायग्राम है? अब ध्यान से देखिए बच्चों इस डायग्राम को, तो आपको मिलेगा कि यहां पर जो है एक फिल्टर लगा हुआ है. फिल्टर दिख रहा है आपको? मैं शो कर रहा हूँ आपको फिल्टर. और ये जो फिल्टर है, अगर ऐसा फिल्टर वाला कोई भी डायग्राम को दिखता है तो हम कहेंगे ये बीटी सेट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट. तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है, और आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ध्यान से पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है. चलिए, ये हमने देखा आई वी फ्लू ट्रांसफ्यूजन सेट नहीं है, एट्रियल लाइन नहीं है, सी लाइन भी नहीं है. तो आप इस बात को जो है याद रख के चल सकते हैं. अगला प्रश्न है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोन इन फोटोग्राफीज. कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम यूज कर रहे हैं जो कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है? तो क्या है? सबक्यूटेनियस है, क्या इंट्राडर्मल है, क्या डर्मोजेट है, क्या पैलेट इम्प्लांट है? तो हम कहेंगे दिस इज द इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. इंट्राडर्मल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की जब बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि 15 degree के एंगल पे हम यूज करेंगे, पहली बात. दूसरी बात, जब ड्रग की सेंसिटिविटी चेक करना हो तो सेंसिटिविटी के लिए यूज करते हैं आपका इंट्राडर्मल रूट. ठीक है, कौन सी लेयर में लगा जाता है? तो हम कहेंगे डर्मिस लेयर ऑफ स्किन. ठीक है, सेंसिटिविटी के लिए यूज करते हैं. और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका जो मोंटेक्स टेस्ट होता है उसको भी
इंटरनली करते हैं। प्यूरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ाया है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, तो आप जाकर के देख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस की क्लास, उसमें से दो क्वेश्चन आपको परमानेंट पूछे ही जाएंगे नॉट सर के अंदर, आई कैन गारंटी इट। ठीक है, तो मेरी कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर बोलता हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 5 लाख रुपए का, क्या कहता है सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन फोटोग्राफ, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है काला काला सा, ये सिंबल किस चीज को शो करता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17वां, और किसमें शो करता है, रेडिएशन हजार्ड, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो राइट आंसर इसमें क्या है, बायो हजार्ड वेस्ट। ठीक है, ऐसा वेस्ट जो बायोमेडिकल हेल्थ हजार्ड है, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसके ऊपर ऐसा निशान लगाते हैं जिससे कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके और उसका निस्तारण सही रूप से किया जा सके। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम देख रहे हैं, क्लास में आप बने रहें आगे तक, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आने वाले हैं, इसमें से ही एग्जाम में प्रश्न आएंगे। आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन द फोटोग्राफ, सिंबल कौन सा शो हो रहा है फोटोग्राफ के अंदर, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो सिंबल्स आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, और ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं ई वेस्ट है, रिसाइकलेबल वेस्ट है, बायोहैजार्ड वेस्ट है, या फूड वेस्ट है। तो हम कहेंगे दिस इज अ रिसाइकलेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम वापस से रिसाइकिल, जैसे प्लास्टिक की बोतल है उसको रिसाइकिल करके वापस पानी भर के दे देंगे 20 रुपये। ठीक है, तो पानी 400 सालों से ऐसे ही बह रहा था, और एक आदमी आया, उसने पानी को 1 लीटर की बोतल में बंद किया, 20-20 रुपये में बेच रहा है वो। कितने लोग ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं ना, तो ठीक है आप भी कमाएंगे नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद, बोतल पानी की खरीदेगा फिर। तो चलिए, और बहुत बार हम 20 रुपये वाली बोतल को ही भर के ले जाते हैं सब जगह, तो भी अच्छी बात है, रिसाइकिलिंग ही है वो एक तरह से। आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन फोटोग्राफ, ये जो सिंबल शो हुआ है फोटोग्राफ के अंदर इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो रेडिएशन हैजार्ड है, बायोहैजार्ड है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, या साइटोटॉक्सिक वेस्ट है। तो राइट आंसर हम क्या कहेंगे, दिस इज अ रेडिएशन हैजार्ड। जैसे हम आप एक्सरे के अंदर जाते होंगे, आपने MRI के अंदर आप गए होंगे, CT स्कैन जहाँ पे होती है वहाँ गए होंगे आप, उसके अलावा और भी जो चीज़ें एग्जामिनेशन जो होते हैं, तो जहाँ पर रेडिएशन होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पर इस तरह का लोगो आपको दिख जाएगा, पीले कलर का और अंदर ब्लैक कलर का इस तरह से रहेगा। तो दिस इज़ द लोगो ऑफ रेडिएशन, यहाँ पर रेडिएशन होने का खतरा है, कृपया इससे दूर रहें। तो रेडिएशन जो है हैजार्ड इस एग्जामिनर ने यहाँ पर शो किया है आपको, और बहुत ही प्यारी इमेज जो है यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सी लिखा हुआ है, सी फॉर साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रेडिएशन हैजार्ड नहीं है, बायोहैजार्ड देख लिया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये सब चीज़ें अलग है। तो राइट आंसर क्या है, दिस इज साइटोटॉक्सिक वेस्ट। तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, जैसे कैंसर की ड्रग हो गई, बहुत सारी जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो सब साइटोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो वो नुकसानदायक होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको किसके अंदर डालेंगे, येलो बिन के अंदर डालते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है उसको येलो बिन में डालते हैं। बार बार एग्जामिनर प्रश्न इससे रिलेटेड पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हमारी क्लास को यहीं विराम देंगे बच्चों। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन सा शो हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। हॉट एयर ओवन है, नहीं। माइक्रोवेव है, नहीं। हाइड्रोक्लेव है, नहीं। राइट आंसर क्या है, दिस इज अ ऑटोक्लेव। ओके, ऑप्शन नंबर 21st, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दिस इज ऑटोक्लेव। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, 15 LB प्रेशर होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 1 मिनट तक रखते हैं, और बहुत ही कॉमनली यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है हॉस्पिटल के अंदर। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन फोटोग्राफ, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है फोटोग्राफ के अंदर इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन सीड इंस्टीट्यूट, इंडियन सोयल इंस्टीट्यूट। सीड और सोयल से कोई काम नहीं है, स्टेटिस्टिक्स से भी कोई काम नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI का मार्क होता है तो वो चीज़ क्या होती है, अच्छी होती है, अच्छा मानते हैं उसको, तो उसको जो है अच्छी बात मानते हैं, ISI वाली चीज़ें हम खरीदने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई द टेस्ट डन बाय इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ, कौन सा टेस्ट करते हैं इससे, उससे पहले देखते हैं ये जो आपको दिखाया गया है, ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, आपने देखा होगा
इस तरह से एक कोई चीज़ रहती है, मान लेते हैं ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसको इस तरह से बजाते हैं और फिर पेशेंट के कान के पास रखते हैं, तो फिर उसका जो रीने टेस्ट और वेबर टेस्ट ये सब किए जाते हैं, और जो मॉडिफाइड फेबैक टेस्ट है वो भी इससे किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। सारे प्रकार के टेस्ट इस इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं बच्चों। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। अगला देखते हैं, साइट और एरो शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर। ये जो साइट है ये कौन सी साइट है, किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये जो साइट है वो यूज़ करते हैं हम प्लूरल फ्लूइड इंस्पिरेशन के, नहीं प्लूरल फ्लूइड के लिए तो हम रिप्स में से निकालेंगे, ठीक है। और लंबर पंक्चर के लिए, जी हाँ, असाइटिक टेप नहीं, बोन मेरो इंस्पिरेशन नहीं। राइट आंसर क्या है आपका? लंबर पंक्चर जो करते हैं वो उसके लिए साइट यूज़ करते हैं, ठीक है, L4 L5 के बीच में। सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहीं तक थी आज की क्लास हमारी, बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।